पिछले दिनों सूचना के आधार पर मंझौलिया पुलिस आई थी शराब के विरुद्ध छापेमारी करने। उस पर हुआ था हमला। मुखिया व पुलिस के सहयोग से सभी ने शपथ लिया कि न पिएंगे, न पीने देंगे, न बनाएंगे, न बनाने देंगे। करमुआ पंचायत के नागरिकों ने ली। यह मामला करमुआ पंचायत के वार्ड नंबर 1 का है, जहां शुक्रवार के दिन मुखियापति मोहन प्रसाद गुप्ता की अध्यक्षता में एक बैठक हुई। इसमें सर्वसम्मति से तय किया गया कि पंचायत में शराब न पीने देंगे, न ही कोई पिएगा। अगर पकड़े जाएंगे तो उसे पुलिस को सुपुर्द कर दिया जाएगा। इस मामले को लेकर एक लिखित आवेदन भी पुलिस प्रशासन को दी गई। थानाध्यक्ष अशोक कुमार साह की अध्यक्षता में करमुआ पंचायत के सभी नागरिकों ने शपथ दिलाई कि न शराब पियेंगे, न बेचेंगे और न ही किसी को बेचने देंगे। यह जानकारी स्वयं थानाध्यक्ष अशोक कुमार साह ने दी। सुनाते हैं आपको क्या कुछ कहा उन्होंने। मझौलिया से मनीष कुमार इस समय प्रखंड क्षेत्र के करमुआ पंचायत में आया हूँ, जहाँ पर शराबबंदी को लेकर के सारे जनता जाग चुकी है। यहाँ पर थाना अध्यक्ष व SHO मझौलिया के हैं, वो भी पहुँचे हैं। उनकी अध्यक्षता में पूरा पंचायत में शपथ लिया गया है, न पिएंगे, न पीने देंगे, न बेचने देंगे। इस समय उनसे समझेंगे कि क्या ये मामला है। हाँ सर, ये जो शराबबंदी कानून के सपोर्ट में जनता आई है, एकत्र हुई है और आपका साथ दे रही है कि पूरे कानून को हम साथ देंगे, इसलिए आपको क्या कहना है। बीते दिनों एक ऐसी घटना घट गई थी जिसमें कुछ व्यक्ति प्रशासन के साथ प्रोटेस्ट करके उसके साथ हाथापाई किया। इस संदर्भ में एक प्राथमिकी दर्ज की गई है। उसके बाद में यहाँ के कुछ लोगों के द्वारा ये इकट्ठा होकर के एक मीटिंग बुलाया गया। मीटिंग के बाद ये निर्णय लिया गया कि हम लोग शराब का कम से कम बहिष्कार करें, किसी को न पीने दें, न किसी को बेचने दें। सभी लोग एक सार्थक पहल रंग लाया और आज हम लोग इकट्ठा हुए हैं, शपथ भी दिलवाया गया और ये हमको विश्वास है कि ये सिलसिला बंद रहेगा। इसमें मुख्य रूप से जो शामिल थे, जिनके बहुत बड़ा सहयोग रहा, उनका नाम है मोहन कुमार गुप्ता। ये मुखियापति हैं, शिव सहनी वार्ड है, रिक्खी शाह है, विनोद सहनी पंचायत के सदस्य है, भिखैन देवी हैं, जवाहर प्रसाद है, व्यास कुमार है, संतोष कुमार, पप्पू कुमार, शत्रुघ्न प्रसाद, गुड्डू कुमार। साथ में ये सब लोग मेरे द्वारा भी इनको भी शिक्षा दिया गया है, कम से कम अच्छा से अपना जीवन यापन करें, पढ़ाई लिखाई कम से कम ये रखें, क्योंकि समाज सुधारने के लिए शिक्षा बहुत ज़रूरी है। गलत दारू पीना, जो दारू पिएगा वो निश्चित रूप से वो गलत शिक्षा की ओर, गलत मार्ग की तरफ जाएगा। तो अच्छा से अपना जीवन यापन करें, प्रशासन हर संभव प्रयास करेगा, जहाँ भी जरूरत है लोग पड़ेगा हम तैयार रहेंगे हम लोग, और ये लोग अच्छा से रहे, दोषी को पकड़वाने में मदद करें। पूर्व में हम लोग दो तीन ये बकरिया में हम लोग ऐसा पहल किया, उसका सार्थक रास्ता निकला है। वहाँ पर भी दारू बंद हो गया है। सब लोग जो लोग अपना ये जीवन का एक अंग मान करके चल रहे थे, वो लोग भी दारू बंद कर दिया है। तो मेरे ख्याल से यहाँ करमुआ पंचायत के लोग भी यही समझ करके इसको जो बात करेंगे। तो जो दोषी लोग जो है उनके गिरफ्तारी के निर्दोष तो इसमें नहीं था ना, निर्दोष को नहीं पकड़ा जाएगा। निश्चित रूप से पूर्व में भी नहीं पकड़ा गया था और आज हम आश्वासन भी देते हैं कि जो निर्दोष है उनके साथ ऐसा कुछ नहीं। यह पहला हुआ था जो बखरिया पंचायत के 5 नंबर और 2 नंबर वार्ड में शराबबंदी को लेकर के सारे लोग एकत्र होकर के पुलिस का सहयोग किए थे। भारत संवाददाता मझौलिया से मनीष कुमार इस समय प्रखंड क्षेत्र के जो सुदूरवर्ती इलाका है करमुआ, जहां पर पिछले दिनों करमुआ वार्ड नंबर 1 में जो शराबबंदी कानून के मामले में पुलिस आई थी, जिस पर हमला हुआ था, वहां पर जो वार्ड के सारे लोग यहां पर एकत्र हुए हैं, मुखियापति यहां भी उपलब्ध हैं, जो सब लोग एक शपथ लिया कीजिए हम न शराब पियेंगे, न शराब बेचने देंगे, न किसी को पीने देंगे। इस समय यहां पर उपस्थित हैं मुखियापति मोहनदास गुप्ता जी, उनसे समझेंगे कि यह कैसे कैसे क्या क्या कैसे कैसे क्या हुआ, ये बताइए थोड़ा। मेरे ग्राम पंचायत करमुआ में वार्ड नंबर 1 में पुलिस प्रशासन के साथ एक घटना घटित हुई, जिसमें बहुत सारे निर्दोषों को फंसाया गया और दोषी व्यक्ति पर कार्रवाई नहीं हो रहा है और निर्दोष को पकड़ कर ले जाया जा रहा है, जिससे मेरे पंचायत के वार्ड नंबर 1 के सभी जनता में असंतोष का माहौल है। तो हम यही प्रशासन से अपील करते हैं कि निर्दोष व्यक्ति को तंग तबाह नहीं किया जाए और दोषी को बख्शा नहीं जाए। अपना परिचय क्या? मैं मुखियापति मोहन कुमार गुप्ता, ग्राम पंचायत करमुआ। चोलिया पश्चिमी चंपारण से संवाददाता मनीष कुमार की रिपोर्ट।